बेबी कॉर्न बनाएंगे। एक पैकेट हमने बेबी कॉर्न ले लिया है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले बीच से चीरा लगाएंगे इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए हमने सारा कटिंग कर लिया है, अब इसको हम उबालेंगे। ये पानी खौल गया है, इसको हमें पानी में डाल देना है। इसको ज़्यादा उबाल नहीं करना है, एक मिनट के लिए इसको उबालेंगे खाली। क्या है, गैस बंद कर देंगे और इसको पानी में से निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे इसको। फिर ये देखिए पान अब ठंडा हो गया है, इसको मैरिनेट करेंगे। अब एक बाउल में इसको डाल देंगे, पहले हल्के हाथ से इसको मिला लेंगे। ये देखिए अच्छे से एकदम मिला लिए। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्न फ्लावर, 2 चम्मच कॉर्न फ्लावर डाल के मिलाएंगे। ये देखिए हमने 2 चम्मच डाला था, अभी अच्छे से नहीं हुआ, 2 चम्मच और डालेंगे। ये देखिए एकदम अच्छी सी कोटिंग हो गई है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा मीडियम हार्ट गर्म है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। इतना गर्म होना चाहिए तेल कि आप डालें तो इस तरह से रहे। बाकी हमने डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, अब इसको धीरे धीरे पलट लेंगे। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, तल गया है। अभी इसको एक बार ऑफ फ्राई करना है जब हम सॉस में डालेंगे। चलिए सॉस तैयार करते हैं। ये थे वही वाला तेल हम यूज कर रहे हैं, कढ़ाई गर्म हो गया। अब इसे हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल सॉस बनाने के लिए। हमने बारीक बारीक काट लिया है, डाल देंगे हमने इसे बारीक बारीक हमने काट लिया। अब इसमें डालेंगे अदरक, अदरक इसे एकदम बारीक काट लिए हैं हमने, इसको हमने ट्रायंगल में काट लिए हैं। अदरक हरी मिर्च जब हो जाएगा तो इसमें प्याज और शिमला मिर्च डालेंगे। अदरक हरी मिर्च मिक्स हो गया है, बहुत ज़्यादा मैंने तो पकाना है, डाल देंगे शिमला मिर्च। पानी हमने उसी कटोरी में लिया था जिसमें चिली सॉस था। नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च का पाउडर, सोया सॉस, विनेगर, डाल के अच्छे से चलाएंगे। अगर टमाटो सॉस, कॉर्नफ्लावर पाउडर गाढ़ा करने के लिए। सॉस हमारा बन के तैयार हो गया है, अब हम इसको कर देंगे और एक बार फिर फ्राई कर लेना है। क्योंकि तेल गर्म हो गया फिर से, और एक बार फिर इसको फ्राई करना है, कर लेंगे। दूसरी बार हमें तभी फ्राई करना है जब हम सॉस बना के इसका रख लेंगे, जैसा एकदम क्रिस्पी हो जाए। इतना देर तक हमें इसको फ्राई करना है। अच्छा से क्रिस्पी हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे कुकर में से। हम गर्म करने के लिए सॉस चढ़ा दिए हैं, सॉस गर्म हो गया है। अब हम डाल देंगे बेबी कॉर्न और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, बेबी कॉर्न हमारा बनके तैयार है। अभी नहीं बात जब तेल डालेंगे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।